हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। तो स्टूडेंट्स, हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर्स। तो चलिए रैशनल नंबर्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक बात और, मैं आपको यहाँ पर डेली चैप्टर वाइज वीडियो दूंगा जिसमें आपको वन बाई वन क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में अब सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे, देखिए भाई नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, जो आपकी नंबर्स होते हैं ना, नंबर किस किस टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइप के नंबर होते हैं, तो उन नंबर टाइप्स को देखते हैं कि ये नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले जो होता है ना बच्चों, वो होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो होता है ना, नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है बच्चों। जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, वे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। मतलब इन्फिनिटी का मतलब आप का मन जहाँ तक करे ना वहाँ तक ले लीजिए। आप जहाँ तक भी जितना भी बड़ा नंबर लेने का मन करे अब उतना ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर वे होते हैं आपके होल नंबर्स, होल नंबर्स। देखिए बच्चों, ये आपके नेचुरल नंबर्स तो ये हो गए 1, 2, 3। जब आप इनमें जीरो और मिला दोगे ना, तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे। जब आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को और मिला दोगे तो होल नंबर्स बन जाएंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर्स थे आपके, है ना, ठीक है बच्चों। अब आप अगर आप इसमें जीरो और ऐड कर दोगे तो आपके ये बन जाएंगे होल नंबर्स, ठीक है। तो देख रहे हो आप नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे आता है इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ठीक है बच्चों। देखिए आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 1। जब आप नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो और उठाकर रख दिया उसमें, जब आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दोगे, जीरो को और जोड़ दोगे, तो वो बन जाएगा होल नंबर्स, ये नंबर आपके। और जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, इनमें जब आप जीरो और ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आएंगी, जीरो भी आएगा और ये भी आएंगे आपके प्लस के नंबर्स भी। लेकिन जब और इनमें आप माइनस के नंबर्स और ऐड कर दोगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 तो समझ में आया बच्चों, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स समझ में आया। चलिए एक बार और देखिए, नेचुरल नंबर हमने देखा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। मतलब जब आप 1 से स्टार्ट करते हो तो वे तो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स, जब आप नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड कर दोगे, जब नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड कर दोगे आप, तो वे बन जाएंगे आपके होल नंबर्स। लेकिन जब आप इन होल नंबर्स में, देखिए आपके यहाँ पर होल नंबर्स तो आएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 1 से नंबर जो स्टार्ट होंगे वे भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, और जब माइनस के भी आएंगे, तो कुल मिलाकर के जब ये सारे एक साथ आएंगे तो उनको कहेंगे हम इंटीजर नंबर्स। अब देखिए, अब देखते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो आपके चैप्टर का नाम है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स देखिए बच्चों, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना आपके, जब आप फ्रैक्शन लिखते हो ना, फ्रैक्शन, देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4/5, 4/5, 9/4, 15/4, 8/5, इस टाइप से, तो ये बच्चों ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। जब आप फ्रैक्शन देखते हो ना, वो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर। देखिए तो रैशनल नंबर्स को जो लिखते हैं ना हम, तो रैशनल नंबर्स को हम लिखते हैं P/Q।
रैशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब देखिए इसका मीन्स समझिए आप, रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, समझ रहे हो? यहां पर पी अपॉन क्यू का मतलब जैसे ये हमने लिखा ना 4 अपॉन 5, 9 अपॉन 4, 15 अपॉन 4, 8 अपॉन 5, मतलब ये उसका एक रूप है, मतलब एक फॉर्म है कि इस फॉर्म में होंगे। जैसे हमें यहाँ पर ये तो पी की पी का वैल्यू होगा, ये क्यू का वैल्यू होगा, इस टाइप से पी अपॉन क्यू। आप पी अपॉन क्यू की जगह कुछ भी रख सकते हो, लेकिन देखिए वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब समझते हो बच्चों? इंटीजर्स जो आपने हमने अभी पढ़ा था कि इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर मतलब जीरो और प्लस के नंबर्स भी और माइनस के नंबर भी, मतलब यहाँ पर आप माइनस भी ले सकते हो या कहीं भी आप माइनस ले सकते हो। ठीक है, तो p अपॉन q देखिए, जैसे इसमें p की वैल्यू 9 है, इसमें q की वैल्यू 4 है, इसमें p की वैल्यू 15 है, इसमें q की वैल्यू 4 है, इसमें p की वैल्यू 8 है, इसमें q की वैल्यू 5 है। समझ गया आप रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में? ये एक तरीके का हमको आइडिया दिया गया है कि इस फॉर्म में होंगे, p अपॉन q की फॉर्म में होंगे। किस टाइप से? जैसे ये 4 अपॉन 5, 9 अपॉन 4, 15 अपॉन 4, 8 अपॉन 5 एटसेट्रा, आप और भी नंबर ले सकते हो। वह अब कंडीशन देखिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर्स वाली कंडीशन देख ली हमने, मतलब आपको पता है कि इंटीजर्स जो होते हैं वे हमारे माइनस के भी होते हैं, उसमें प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। तो देखा हमने प्लस के भी आए और माइनस भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो माइनस, हमने लिया ना माइनस, यहां पर कहीं भी ले सकते हो। बट एक कंडीशन और है, एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। देखो बच्चों, जब आप इस साइन इज इक्वल टू के साइन को ऐसे क्रॉस करते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि इसके बराबर जो, जैसे मैं कहूं कि क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, तो हम क्यू के इज इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, क्यू के इज इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे। इसको क्रॉस करने का मतलब जो होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर सब चीज़ हम रख लेंगे, पर देखिए एक कंडीशन देख रखेंगे, कभी भी हम डिनोमिनेटर जीरो नहीं रखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने ये लिया, तो हम कभी भी, जैसे मैं कहने लगूँ आपसे कि 15 अपॉन जीरो, तो ये रैशनल नंबर है आपका, आप कहोगे सर नहीं ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, हम क्यू की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। ये पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू, हम क्यू की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे कभी भी, समझ गए? चलिए, तो रैशनल नंबर समझ में आया बच्चों आपको? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कि सबसे पहले देखेंगे होल नंबर की, सबसे पहले होल नंबर, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में सबसे पहले देखेंगे हम होल नंबर्स की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखेंगे होल नंबर्स की। देखिए अब हम होल नंबर्स में देखेंगे कि अब इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे कि होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या सभी होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या सभी होल नंबर्स आते हैं,
जब हम होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सभी होल नंबर्स आते हैं? जब हम होल नंबर्स की को डिवीजन आपस में डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो क्या सभी होल नंबर्स आते हैं? इस टाइप से इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन, सबसे पहले देखेंगे हम एडिशन। एडिशन, अब देखिए एडिशन, मैं आपसे कहूं कि दो होल नंबर्स, आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं, है ना। बट आप कुछ भी ले सकते हो आगे तक, आप कुछ भी 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी ले सकते हो आप बच्चों। ऐसा नहीं कि 5 पे ही रुक जाएगा, नहीं 5 पे नहीं रुकेगा, आगे तक आपका डॉट डॉट का मतलब यही है कि आपका मन जहां तक करे वहां तक ले लीजिए। एडिशन, एडिशन में आप क्या करोगे? होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स में भी होल नंबर्स आते हैं आपके, आप एडिशन पढ़ेंगे। देखिए एडिशन को जब हम इसका करते हैं होल नंबर्स का, तो देखिए होल नंबर्स हमारे क्या है, 0, 1, 2, 3 से चलिए हमने 0 ले लिया, 0 प्लस 5 क्या आया, 5। 0 में आप 5 जोड़ोगे 5 आएगा, है ना। दूसरे ले लीजिए, हमने चलो 2 ले लिया, हमने 2 लिया प्लस 3, 2, 3 प्लस 5 कुछ और ले लीजिए, 4 प्लस 3, 7। तो आप देख रहे हो कि जब हम होल नंबर का एडिशन करते हैं ना तो क्या आता है, होल नंबर ही आता है, किसी का भी कर लीजिए, होल नंबर का जब आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा, होल नंबर से आएगा, तो ये आपका आएगा होल नंबर। होल नंबर से आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। देखिए हमने, मैं आपसे कहूं कि 7 में से 3 को माइनस कीजिए, 7 भी होल नंबर से, 3 भी होल नंबर से, 7 में से 3 को माइनस कीजिए, तो आप कहोगे सर हमारे पास बचेगा 4। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि 3 में से 7 को माइनस कीजिए तो हमारे पास अब क्या बचेगा? जब आप बच्चों देखें, जब माइनस का नंबर बड़ा होता है ना और उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस की वैल्यू बचती है, तो हमारे पास प्लस के 3 है और माइनस के 7 है, तो किसके ज़्यादा हैं, माइनस के, तो साफ सीधी सी बात है किसके बचेंगे, 7 वाले में से बचेंगे ना हमारे पास, लेकिन 7 वाले तो माइनस के, तो बचेंगे माइनस के 4, ठीक है। अब देखिए हमने सब्ट्रैक्शन किया होल नंबर्स का, तो एक कंडीशन में तो हमारे होल नंबर्स आ गए, पर इसमें हमारा होल नंबर्स नहीं आया क्योंकि माइनस का 4 होल नंबर्स में तो हमारा 0 से आता है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन माइनस नहीं आया, तो माइनस तो इंटीजर्स में आता है ना, तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा आपका विच इज नॉट होल नंबर, विच इज नॉट होल नंबर, ठीक है बच्चों। मतलब जब आप दो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हो ना तो मतलब सभी कंडीशन में होल नंबर्स नहीं आएगा। अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो होल नंबर आ जाएगा, बट अगर आप छोटे नंबर से छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू तो होल नंबर्स के अंदर आती ही नहीं क्योंकि होल नंबर्स तो हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, तो इसलिए ये तो इंटीजर्स आया ना, तो इसलिए विच इज नॉट होल नंबर्स, क्योंकि हमारा 3 माइनस 7 क्या, हमने 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, तो फिर हम कहेंगे कि विच इज नॉट होल नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में इसकी कंडीशन क्या होती है। मल्टीप्लीकेशन में
मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। मैं आपसे कहूं कि चलिए सबसे पहले तो हम लेंगे जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई हम करेंगे थ्री से। तो जीरो की जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों जीरो आता है, चलिए जीरो आया। तो जीरो भी हमें पता है क्या बोलता है, होल नंबर्स, क्योंकि हमारे होल नंबर्स हैं। अब हम चलिए हम किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कहूँ आपसे टू की मल्टीप्लाई कीजिए फोर में, तो टू फोर ज़ा एट, तो ये भी होल नंबर्स बन रहा है और एट भी हमारा होल नंबर्स। तो मल्टीप्लाई करने पर भी जब आप दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना तो वो होल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, होल नंबर्स। अब इसके बाद देखते हैं हम डिवीजन। डिवीजन जब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि आप डिवाइड कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं सिक्स को डिवाइड कीजिए टू से, तो टू से जब आप सिक्स को डिवाइड करोगे, तो टू थ्री जा सिक्स, रिमाइंडर जीरो, पूरा पूरा कट गया, तो आपका क्या आया, थ्री, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप फाइव को डिवाइड कीजिए एट से, तो क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, या तो डिवाइड होगा तो पॉइंट में आएगा, और आपके होल नंबर पॉइंट में नहीं होते, तो ये बनेगा फाइव अपॉन एट। तो ये तो आपका रैशनल नंबर बन गया, ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो इसलिए डिवीजन की भी हर कंडीशन में होल नंबर्स की जब डिवाइड करते हैं आपस में तो होल नंबर नहीं बनता, तो ये होगा विच इज नॉट होल नंबर्स, ये होगा विच इज नॉट होल नंबर्स, फाइव अपॉन एट विच इज नॉट होल नंबर्स, होल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन आपकी समझ में आया, आप होल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमने। जब आप होल नंबर का एडिशन करते हो तो एवरी कंडीशन में होल नंबर ही आएगा, पर जब आप होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो अगर आप बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो होल नंबर ही आएगा, बट अब अगर आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो होल नंबर नहीं आएगा, फिर तो वो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू होल नंबर्स में नहीं होती, वो तो इंटीजर्स में होती है ना, हमने पढ़ा था। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में आप देखते हो अगर हम दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो इंटू थ्री, तो जीरो होल नंबर आया, ठीक है बच्चों। अब किसी भी होल नंबर्स को ले लीजिए, आप किसी भी होल नंबर्स को अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर से आएगा। अब आता है डिवीजन पर, जब आप डिवाइड करते हो, अगर आप इस टाइप से आपके नंबर लेंगे कि हमने सिक्स लिया, सिक्स को डिवाइड किया टू से, तो सिक्स को जब टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री आया, अब थ्री तो होल नंबर है, बट अगर आप फाइव को डिवाइड करते हो एट से तो आपकी ये वैल्यू बनेगी फाइव अपॉन एट, जो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो यह आपका बन गया रैशनल नंबर। तो इसलिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की एवरी कंडीशन में ये होल नंबर्स की होल नंबर ही नहीं बनेगा, जब आप सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करोगे ना होल नंबर्स की टू, तो कभी तो आपका बनेगा लेकिन हर कंडीशन में आपका होल नंबर आंसर नहीं आएगा, जैसे कि इसमें विच इज नॉट होल नंबर्स। तो बच्चों ये होल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई, ठीक है बच्चों, है ना। अब चलते इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पर, अब देखते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। इंटीजर, अब देखते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज। अब आप पहले तो देखिए, हम देखते हैं इंटीजर्स हमारे क्या क्या होते हैं। हमने देखा था इंटीजर्स जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, डॉट 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 डॉट, है ना। डॉट डॉट का मतलब होता है बच्चों आगे का नंबर आप बढ़ते चले जाइए। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डॉट डॉट डॉट, ये आपके इंटीजर्स नंबर थे, है ना, इंटीजर्स थे।
तो अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखिए ये सभी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, जो नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, ये सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर जो आता वो होल नंबर्स के अंदर आएगा, होल नंबर जो आएगा वो इंटीजर्स के, इंटीजर नंबर्स के अंदर आएगा, इंटीजर नंबर्स के जो आएगा वो रैशनल नंबर्स के अंदर आएगा। समझ गया आप? मतलब ये जो बड़ा, जो जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स तो सारे इंटीजर्स नंबर को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। और जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर्स नंबर जो होते हैं, इंटीजर नंबर्स, वे सारे होल नंबर्स को अपने अंदर ले लेंगे, और जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वे सारे नेचुरल नंबर्स को अपने अंदर ले लेंगे। समझ गए अब आप? ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इसलिए ये सब प्रॉपर्टी जो अब रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे सारे इंटीजर्स होल नंबर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपके मन में डाउट हो रहा होगा ना बच्चों कि ये सर हेडिंग तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, लेकिन आप पढ़ रहे हो इंटीजर्स से होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो मैंने बताया ना बच्चों आपको कि ये सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स में हम देखते हैं एडिशन, सबसे पहले एडिशन देखेंगे, ठीक है। अब एडिशन में हम देखते हैं दो इंटीजर्स की। अब आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस के भी नंबर होते हैं, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, उनमें इंटीजर्स में सभी। तो हम दो इंटीजर्स लेंगे, एक माइनस का लेंगे, ठीक है, और एक प्लस का लेंगे। हमने माइनस सिक्स लिया, प्लस फाइव लिया, दोनों इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स माइनस के भी होता है, प्लस का भी होता। हमारे पास क्या है, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो वैल्यू आपकी माइनस प्लस माइनस की जब दो वैल्यू आएंगी, और जो वैल्यू बड़ी होगी, वैल्यू आंसर उसका आएगा। तो यहां पर बड़ी कौन सी है, माइनस सिक्स, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, माइनस वन, ठीक है। ऐसे मैं आपसे कहूं कि नाइन माइनस सेवन, नाइन में से सेवन गया टू, तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जब आप दो इंटीजर्स का एडिशन करते हो ना, तो आपका एवरी कंडीशन में जो आंसर आएगा क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है बच्चों, इंटीजर्स ही आएगा। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन, अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अब हमने सब्ट्रैक्शन में देखे, हमने लिया कोई बड़ा नंबर लिया एट माइनस सिक्स, एट में से सिक्स, चलो सिक्स मत लीजिए, यहां पर फिर टू आएगा, आप कहोगे फिर सेम लिख दिया, एट में से फाइव माइनस कीजिए थ्री, एट में से फाइव माइनस करा हमने, क्या आंसर आया, थ्री आया। अब हमने फिर क्या किया कि दो वैल्यू ले लिया हमने, माइनस के सिक्स, माइनस के, माइनस के सिक्स और माइनस के थ्री। चलिए जब आप दो माइनस माइनस की वैल्यू लोगे तो माइनस के सिक्स माइनस के थ्री क्या होगा, माइनस के नाइन होगा। जब देखे, अब मैं एक छोटी सी चीज लिखवा देता हूं, ये साइड में लिख लीजिए आप, कि जब आप ये साइन का खेल लिख दीजिए पहले आप, क्या होता है जब आप प्लस और प्लस, जब प्लस और प्लस मिलते हैं तो वो बन होता है प्लस, जब माइनस और माइनस मिलते हैं वो भी होता है प्लस, मतलब वे नंबर भी जुड़ते हैं, लेकिन जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो वे नंबर आपस में घटेंगे, जब माइनस और प्लस मिलेंगे तो वे नंबर भी आपस में घटेंगे, उनका भी सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब जब आप दो प्लस प्लस के नंबर हैं, अब आप उनको प्लस कर रहे हो तो उनका एडिशन होगा, जब आप दो माइनस के नंबर लोगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो इनका भी एडिशन होगा, बस आंसर जो माइनस में आएगा। जब आप एक नंबर प्लस का लोगे एक माइनस का लोगे, एक प्लस का लोगे एक माइनस का लोगे, तो सब्ट्रैक्शन होगा। जब आप एक नंबर माइनस का लोगे या प्लस का लोगे तब भी सब्ट्रैक्शन होगा। अब मैं आपको याद करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूं,
कि जब दो एक से साइन होंगे आपस में, दोनों एक से साइन होंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो एडिशन होगा। बस ये है कि जब प्लस प्लस वाले ऐड करोगे तो वैल्यू प्लस में आएगी, और जब माइनस माइनस वाले ऐड करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, और जब दो अलग अलग साइन होंगे तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बस उनके डिपेंड ये करता है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, प्लस वाले की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, है ना। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं आप, मैंने आपसे बताया कि जब दो माइनस और माइनस की वैल्यू आएंगी तो उनका होगा तो एडिशन, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस का वैल्यू ही आएगा। चलो बच्चों, तो हम अपने सवाल पर आते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमारी कंडीशन देखी कि हमने 8 में से माइनस 5 किया 3 आया, और माइनस 6 माइनस 3 लिया तो माइनस 9 आया, मतलब इंटीजर्स ही आ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स ही आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, जब हम मल्टीप्लीकेशन में दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं यहां पर 5 × 6 = 30 मल्टीप्लीकेशन किया हमने, अब मैं यहां पर कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं माइनस के 4 × 7 तो माइनस के 28, माइनस के 28 आएगा क्योंकि 4 × 7 = 28 और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख रहे हो कि इसमें भी इंटीजर्स बन रहा है, तो इसमें भी आपका मल्टीप्लीकेशन में भी इंटीजर्स ही बनेगा। इसके बाद देखते हैं डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन में आप देखते हो, जब आप, मैं आपसे कहूं कि 7 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 7/3 आएगा। अब 7/3 आया तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये तो रैशनल नंबर बन गया, इंटीजर्स तो बन ही नहीं रहा। तो डिवीजन की कंडीशन में, कुछ कंडीशन में हो सकता है कुछ जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो तो इंटीजर्स बन जाएगा, लेकिन जैसे 7/3 से डिवाइड नहीं होगा तो 7/3 होगा ये, तो ये आपका इंटीजर्स नहीं बना, तो इसका क्या होगा, विच इज नॉट इंटीजर्स। Which is not integers. देखिए अब एक बार और समझिए, जब आप दो एडिशन, जब आप दो इंटीजर्स का एडिशन करते हो, तो आपका एवरी कंडीशन में इंटीजर्स ही आंसर आएगा। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो दो इंटीजर्स का, तो आपका एवरी कंडीशन में इंटीजर्स ही आंसर आएगा। जब आप दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो एवरी कंडीशन में इंटीजर्स ही आएगा, वो वैल्यू इंटीजर्स में ही होगी। लेकिन जब आप डिवीजन करते हो दो इंटीजर्स का, तो जो आंसर आएगा वो एवरी कंडीशन में इंटीजर्स नहीं आएगा, तो इसलिए विच इज नॉट इंटीजर्स। जैसे हमने यहाँ पर 7 को डिवाइड किया 3 से 7/3 तो आंसर आप देख रहे हो इंटीजर्स नहीं है, ये रैशनल है, तो ये बनेगा Which is not integers। इसके बाद देखते हम रैशनल नंबर्स की, देखते रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर्स, हम आपने देखा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वे हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं 3/2, 5/4, 9/5, 12/5 इस टाइप से, है ना, इस टाइप से होते। तो अब देखते हैं हम
इसकी रैशनल नंबर की कंडीशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन देखेंगे एडिशन। हम दो रैशनल नंबर्स लेंगे, 3/4 + 2/4। मैंने डिनोमिनेटर सेम इसलिए लिया कि जैसे कि जोड़ने में आसानी हो। तो ये बनेगा 3 + 2/4 = 5/4। तो जब आप दो रैशनल नंबर का एडिशन करोगे तो आपका एवरी कंडीशन में आंसर जो आएगा वो रैशनल ही आएगा। एवरी कंडीशन में आंसर रैशनल ही आएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए? जब आप दो रैशनल नंबर का एडिशन करोगे तो आपका एवरी कंडीशन में आंसर जो आएगा वो रैशनल ही आएगा। जो भी नंबर निकल कर के आएगा वो रैशनल होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। जब आप दो रैशनल नंबर का इन्हीं को ले लेते हैं, 3/4 - 2/4। जब आप दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बनेगा 3 - 2/4 = 1/4। जब आप दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो आपका वैल्यू निकल करके आती है आंसर, तो वो भी रैशनल ही होता है, ठीक है बच्चों। जब आप दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो और जो आपका आंसर निकल कर आता है तो वो कैसा होता है, वो रैशनल ही होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी जब आप हम इन्हीं नंबर को लेंगे, 3/4 × 2/4। जब आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 3 × 2 = 4 × 4 = 3 × 6 = 4 × 4 = 16। तो जब आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो जो आपका आंसर निकल कर आता है वो भी आपका क्या होता है, वो भी रैशनल ही होता है। तो ये भी आपका रैशनल ही होगा, समझ में आया इतना? अब देखते हैं हम डिवीजन में देखें। जब आप डिवीजन करते हो फिर हम यही नंबर लेंगे, 3/4 / 2/4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो ये ऐसे होता है, जब 3/4 इसका साइन बदल जाता है, ये हो जाता है 4/2। तो ये बनेगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3/2। जब आप दो रैशनल नंबर का हमने डिवीजन किया तो ये आपके वैल्यू निकल कर का आई, आप समझोगे जब हम आगे चलेंगे इसको समझोगे आप। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूं कि जब आप दो रैशनल नंबर का डिवीजन करते हो तो आंसर आपका तब भी रैशनल ही आता है, तब भी आपका आंसर रैशनल ही आता है। बस आपको कंडीशन एक ही याद रखनी है जो हमसे कहा गया है कि यहां पर हमारा वैल्यू q = ≠ 0, ये नहीं होती। तो आपसे अगर मैं कहूं कि आप 3/4 को डिवाइड अगर आप 0 से करते हो ना, तो तब आपकी वैल्यू जो आएगी ना वो नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो समझ में आया बच्चों? आपने रैशनल नंबर की कंडीशन पढ़ी, रैशनल नंबर में हमने देखा कि अगर हम दो रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं, जब हम दो रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो रैशनली आता है। जब हम दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो रैशनली आता है। जब हम दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है।
जब हम दो रैशनल नंबर का डिवीजन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है। बस एक ही कंडीशन याद रखनी है आपको, अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू जो आती है वो नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं कल जैसे ही दूसरी वीडियो लाऊंगा तो वो वीडियो आपको मिले। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए।